सीधा बताइए ना, अंदर से आपका दिल का धड़कन देखिए, दिल का धड़कन इनका तेज हो गया है जब से इनके भाई को इनकी ब्याहू इनकी बहू छोड़ दी है, तब से इनके भी दिल का धड़कन तेज हो गया है कि कहीं हम अपनी पत्नी को पढ़ा दे। वो धड़कन मेरा नहीं तेज है, धड़कन सबका तेज हो गया है इस समय में। ऐसा आपको क्या लगता है, अब आप लोगों की भी कहीं ना कहीं दिल की धड़कने तेज हो गई है कि कहीं हम भी शादी करें, पत्नी को पढ़ा दे, वो SDM बन जाए या पुलिस वाली बन जाए तो वो हमको छोड़ दे बेरोजगार समझ के। देखिए मैं तो चाहता हूँ कि मेरी शादी हो, मेरी अगर पत्नी कांस्टेबल है दरोगा होती है छोड़ देगी, दूसरा ब्याह करेंगे। अच्छा आप महिला के साथ क्या होना चाहिए, उसकी नौकरी के साथ उसको नौकरी बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। अरे दादी आ गई, दादी क्या नाम है, दादी अपने बेटे को पकड़ ली, इधर दिखाइए, दादी दादी अपने बेटे को पकड़ ली, दादी अपने बेटे को ले जा रही है। पत्नियों के ऊपर भरोसा नहीं रह गया है, कोई भरोसा नहीं है। अच्छा अच्छा कोई भरोसा, बुढ़ापा बुढ़ापा भाग जा रहा है बुढ़िया लेकर, क्या करेंगे उसके लिए। अच्छा अपने घर का ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसी साथ सेट होकर भाग जा रहे हैं, क्या करेंगे उसके लिए। अच्छा अच्छा नमस्कार दर्शकों, अभी आप कुछ दिन पहले ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य वाला कांड सुना ही होगा, जिसमें आलोक मौर्य अपनी पत्नी को SDM बना देते हैं पढ़ा लिखा करके, बाद में जब पत्नी SDM बन जाती है तो पति को ही वो छोड़ देती है, एक तरह से पति को ही तलाक देने का फैसला कर लेती है। जैसे ही ये कांड वायरल हुआ, जैसे ये खबर वायरल हुआ, उसके बाद और महिलाएँ जो नौकरी कर रही होती हैं वो भी अपने पति के साथ ऐसा ही करने लगती हैं, वो भी अपने पति को नीचा साबित करने के लिए नीचा दिखाने लगती हैं, और बाद में क्या करती हैं वो भी महिलाएं धीरे धीरे करके बारी बारी से अपने पतियों से किनारा करने लगती हैं कि हमारा पति बेरोजगार है और कहीं ना कहीं हम नौकरी करते हैं तो हम उसके साथ नहीं रहेंगे। इसी तरह से इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं, ये मेजा विधानसभा का बरार गाँव है, जरार गाँव है, जरार गाँव में रविंद्र ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके पुलिस वाली बना दिया, या फिर कहे कांस्टेबल बना दिया, बाद में जब पत्नी कांस्टेबल बन जाती है, वर्दीधारी बन जाती है, पुलिस वाली बन जाती है, तो अपने पति को ही छोड़ने का फैसला कर लेती है। जो पति सब्जी बेच बेच करके अपनी पति को पढ़ाया और फिर पुलिस में भर्ती करवा दिया। दर्शकों आइए इस वक्त इन लोगों से बात करते हैं, गाँव के ही हैं ये लोग, गाँव के ही हैं, रविंद्र जो हैं उनके आसपास पड़ोस के ही हैं और पटेदार एक तरह से बोल सकते हैं, इनसे बहुत अच्छे से पटती है। तो ये छोटा पहलवान है, ये काफ़ी लोकप्रिय हैं, छोटा पहलवान काफ़ी लोकप्रिय हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है साहब, ये काफ़ी फेमस हैं और ये आज बात करेंगे कि क्या जिस तरह से इनके भतीजे के साथ ऐसा हुआ, इनके भतीजे हैं रविंद्र, भाई 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 हैं, भाई है रविंद्र, मेरा भाई है रविंद्र, रविंद्र इनके भाई हैं और इनके भाई को आज इनकी कहीं ना कहीं बहू छोड़ करके चली गई जब वो नौकरी पा गई। तो क्या नाम है आपका? आशीष कुमार भारती। आपको छोटा पहलवान कहते हैं ना, छोटा डॉन। तो अच्छा ये बताइए कि जो हुआ है ये आपके भाई के साथ कांड हो गया है और उनकी पत्नी नौकरी पाने के बाद छोड़ दिया है उनको, क्या ये सही है? गलत है, सही गलत है? गलत है। कहे गलत है? गलत है। और उस महिला को तो आज़ादी है, स्वतंत्रता है, तो कर सकती है। अरे स्वतंत्रता जब अपने घर का नहीं सुरक्षित कर पाया तो गांव देश का क्या करेगी वो। अच्छा अच्छा, तो मतलब पुलिस वाली बन गई है तो गांव वालों का मतलब देश वालों का देशवासियों का रक्षा नहीं करेगी, उनको न्याय नहीं देगी क्योंकि वो ऑलरेडी भ्रष्ट है। उसका भ्रष्ट हो गया दिमाग पूरा। हाँ, अपने आदमी के धक्का मार के बाहर निकाल दी। जब उसको मिलने के लिए गया तो उसको हटा दिया। हाँ, दरवाजा बंद कर लेती है, दरवाजा बंद करने के बाद बोलते हैं कि हम तुमको नहीं पहचान रहे। अच्छा अच्छा, मतलब वो पति को ही पहचानने से इनकार कर देती है, भूल जाती। हाँ। तो इसलिए रविंद्र वहाँ से चला आया। अब वहाँ से वो आया क्या मालूम कहाँ तक रहा कहाँ नहीं रहा। हाँ। फिर उसके बाद इधर से फोन करता है रविंद्र पास, तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ पड़ता है। अच्छा। हाँ, जब वो नौकरी पा गई। हाँ। तो यहाँ घर पे किसी की ध्यान नहीं देती, न अपने सास को देती है। हाँ। न उसकी ननद को देती है, न अपने आदमी देती है। हाँ। सिर्फ पूरी कमाई अपने नैहर देती है, अपने माँ बाप को देती है, पूरा अपने जीजा के पास देती है। यहाँ घर द्वार कैसा है कैसा ना पहले, हाँ उसके बाद कैसा पढ़ा, कैसे लिखाया, कैसे नौकरी दिलाया, पैसा सब्जी बेचते थे ना, सब्जी बेचते थे। और उसके बाद क्या कहते हैं, किसी से पैसा ले दे कर जितना पैसा का काम लगता था देता था वहाँ। कहे सब्जी बेचते थे, खुद पढ़ाई काहे नहीं किए, खुद पढ़ाई कर लेते नौकरी पा जाते, जरूरी था पत्नी को पढ़ाना? अरे मेरे भाई जब उसको दिमाग नहीं था क्या करेंगे यार। अच्छा, अब आप अपनी आपकी शादी हुई है पहलवान जी, छोटे पहलवान जी हुआ है? हाँ,
हाँ। क्या नाम है आपकी, अपनी पत्नी की आपकी? मेरा नाम आशीष है अंगूरा। पत्नी का नाम क्या है? अंगूरा। अच्छा अंगूरा नाम है। हाँ। अंगूरा इनकी पत्नी का नाम है। क्या आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है? नहीं पढ़ी लिखी है, एक भी तक नहीं पढ़ी। 8 तक पढ़ी है। 8 आगे उसकी पढ़ाई जारी रखेंगे अपनी पत्नी का? नहीं नहीं, काहे नहीं पढ़ाएंगे? काहे? अपने घर का काम करेंगे, मेरे खेती बाड़ी है, देखेंगे। हम बाहर रहते हैं। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं बाहर? हम बहुत काम करते हैं बाहर में। क्या कौन सा काम रहता है? मशीन चलाते हैं, सिलेकट का मशीन चलाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, ओवर ब्रिज चलाते हैं। अच्छा अच्छा, सब चलाते हैं वहाँ पे। पत्नी को 8वीं तक ही पढ़ाएंगे, उसके आगे नहीं पढ़ने देंगे? नहीं, कहीं ना कहीं आप तो पत्नी के साथ गलत कर रहे हैं। घर पे रहेंगे, अपना घर देखेंगे, बच्चा देखेंगे, गाय भैंस है। अच्छा, डर लगने रहे, सीधा बताइए ना, अंदर से आपका दिल का धड़कन देखिए, दिल का धड़कन इनका तेज हो गया है। जब से इनके भाई को इनकी ब्याहू, इनकी बहू छोड़ दी है, तब से इनके भी दिल का धड़कन तेज हो गया है कि कहीं हम अपनी पत्नी को पढ़ा दे। वो भी धड़कन मेरा नहीं तेज है, धड़कन सबका तेज हो गया है। अच्छा, इस समय में ऐसा गांव में कांड नहीं हुआ था, गांव में कांड हो गया। हाँ, अपने गांव में कोई नौकरी नहीं कर रहा था सरकारी, वही बस करती थी, नौकरी पा गई थे, आज को घमंड हो गया है इसीलिए। हाँ, महिला में कोई नहीं कर रही? नहीं ना, नहीं। तो मतलब आप भी अपनी पत्नी को आगे नहीं पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे, निश्चय कर लिए हैं? एकदम निश्चय कर लिए। पत्नियों के ऊपर भरोसा नहीं रह गया है? कोई भरोसा नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई भरोसा? बुढ़ापा भाग जा रहा बुढ़िया लेकर। क्या करेंगे उसके लिए? अच्छा, अपने घर का ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसी के साथ सेट होकर भाग जा रहे हैं, क्या करेंगे उसके लिए? अच्छा अच्छा, ऐसे गाँव में बहुत कुछ हो गया है। देखिए, ये कह रहे हैं कि जो वृद्धावस्था में बूढ़े लोगों को भी बदनाम कर दिए हैं ये, कि बूढ़े लोग भी ऐसा कर रहे हैं। और सोचिए कि आखिर क्यों बूढ़े लोग तो कहाँ कर रहे, जब बूढ़े हो गए तो नहीं कर सकते ना वो। अरे ऐसे क्यों सोचते कि नहीं कर पाते हैं? हाँ। कर लेंगे कि नहीं? अच्छा, बूढ़े लोग ने भाग जाते हैं। अच्छा। बाहर में देखो, पहले नए नए जवान से भाग जाते हैं। हाँ। हाँ, उसके लिए क्या, लोग जवान को लेकर फरार भाग जाते हैं? अच्छा, बूढ़ी महिलाएं लेकर फरार हो जाती हैं, भाग जाते हैं? अच्छा अच्छा, तो मतलब आपने निश्चय कर लिया कि पत्नी को कुछ भी हो जाए, अब चाहे कुछ भी हो जाए, पत्नी को आगे नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो भी फरार हो सकती है, आप भी अकेले हो सकते हो। और क्या, वैसे भी शादी अच्छा आसानी से हो गई थी कि शादी होने में थोड़ा दिक्कत हुई थी आपकी? तो दिक्कत क्या होगा, जब माँ बाप आए देखने के लिए, देख कर अपन शादी भी आ करे, उसमें क्या दिक्कत? अच्छा, है कहीं ना कहीं एक तरह से आप बौना पहलवान है गाँव के, और जब आपकी शादी हो रही थी आप देखने के लिए गए थे कि वो लोग देखने आए थे? हम घर पे नहीं थे। हाँ। हम बाहर रहे थे। कैसे हुआ था शादी? फोटो देख कर। फोटो देखे तो पसंद आ गई थी नहीं पत्नी? पत्नी पसंद कौन, माता जी ने पसंद किया था? आपने माता जी पसंद की थी का? भाई ने, माता जी ने करेंगे, हम थोड़ी करेंगे। आपने क्लियर कर दिया कि मुझे शादी करना है? हाँ। अच्छा, तो फिर उसके बाद कितना साल हो गया शादी का आपकी? 7-8 साल हो गया होगा। अभी तक सब सही चल रहा है? हाँ हाँ। कितने बच्चे हो गए? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे भी हो गए हैं, सोचिए अभी तक इनके 3 बच्चे भी हो, कितने बड़े बड़े बच्चे हैं? छोटे छोटे यार, ये एक बच्ची है इनकी, देखिए छोटा पहलवान की पत्नी है, सॉरी बच्ची है, ये बच्ची है छोटा पहलवान की माता जी है। तो 3 बच्चे हैं, कितने बच्चे, लड़के और कितनी लड़कियां? 2 लड़की है, 1 लड़का है। अच्छा, ये लड़का है? हाँ। ये छोटा पहलवान का लड़का है, सबसे बड़ा लड़का है। अच्छा, ये बड़ा है, लेकिन देखिए बच्चा कहीं ना कहीं गोरा है और ये थोड़ा सांवले है, आपको नहीं पढ़ा है बच्चा? हमें नहीं पढ़ा है तो अपने मम्मी को पढ़ा है। मम्मी को, मम्मी गोरी है ना? ये जान लीजिए मम्मी गोरी है इनकी, और इनकी मम्मी भी आपकी जैसी है? नहीं, इनसे हम लाइट लंबी है। लंबी है? अच्छा, हाइट इतनी हाइट है देखिए? अच्छा अच्छा, वो हाइट थोड़ा बड़ी है। अच्छा, तो मतलब आपके भतीजे के साथ ये हुआ है, गलत है ये? गलत है ना? ना? गलत। अगर मान लो कल को आप अपने बेटे को शादी करेंगे, बेटे का, तो बहू को पढ़ाएंगे या नहीं? नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? अनपढ़ गवान लाएंगे, अनपढ़ ही शादी लाएंगे इस बच्चे का। देखिए, इस बच्चे के साथ भी गलत होगा, ये बच्चे के साथ भी गलत किया जाएगा। कह रहे हैं कि अनपढ़ ही लाएंगे, और इनका बेटा क्या नाम है, बेटे का शुभ नाम? नाम बताओ। अंश। अच्छा, पापा प्यार करते हैं? बोलो बोलो। हाँ? हाँ। पैसा वैसा देते हैं? हाँ। कितना रुपए रोज देते हैं? हाँ? 5-10 रोज। 5-10 रुपये रोज देते हैं? देख लीजिए, जो 5-10 रुपए रोज देते हैं, बेटा भी बोल रहा है। और यहाँ पर और महानुभाव हैं लोग, इनसे बात करते हैं। ये लोग आज के जनरेशन के हैं, नए जनरेशन के लोग हैं। क्या नाम है आपका? नन्हे भारती। नन्हे भारती। अच्छा नन्हे भाई, ये बताइए, आपके ही मतलब जान पहचान के लोग हैं जो
मतलब रविंद्र जी हैं उनके साथ हो गया ऐसा कांड, क्या लगता है वो कैसे आदमी है, इस तरह से थे कि उनको ऐसा उनके साथ ऐसा करना चाहिए था? नहीं देखिए, रविंद्र तो बहुत सीधा साधा लड़का है, बिल्कुल कतई सीधा साधा, उसके साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, अब आप लोगों की भी कहीं ना कहीं दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं कि कहीं हम भी शादी करें, पत्नी को पढ़ा दें, वो SDM बन जाए या पुलिस वाली बन जाए तो वो हमको छोड़ दे बेरोजगार समझ के? देखिए मैं तो चाहता हूँ कि मेरी शादी हो, मेरी अगर पत्नी कांस्टेबल या दरोगा होती है छोड़ देगी, दूसरा ब्याह करेंगे। अच्छा आपको कोई दुख नहीं होगा? कतई दुख नहीं होगा, क्यों दुख होगा भाई? अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल दुख नहीं होगा, लेकिन दुख तो होगा ही, क्योंकि आप पैसा वैसा लगाएंगे। देखिए मजाकिया लहजा था मेरा, देख कहीं ना कहीं खेद है, दुख है, बहुत दुख है, क्योंकि किस तरह से बंदे ने उसको पढ़ाया लिखाया, सर्विस दिलाया, किस तरह से स्ट्रगल करके बेचारे ने सब्जी बेचा गांव-गांव। हाँ, जब सब्जी बेचने वालों के साथ ऐसा हो सकता है तो और लोगों जो कि मेहनत करता है, इतना मेहनती होता है, तो आपको क्या लगता है, आप तो मेहनत भी नहीं कर रहे हैं और आप जो है अगर ऐसे करती है आपकी पत्नी के साथ तो आप क्या कहेंगे? प्रभु मैं मेहनत करता हूँ यार, दिल्ली में थिएटर करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। देखिए क्या थिएटर करते हैं, ये देख लीजिए, ये आर्टिस्ट है एक तरह से, ये आर्टिस्ट है और हो सकता है इनके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि नए जनरेशन के हैं, मॉडल हैं ये सब, और मॉडलों के साथ ऐसा ना हो सकता है, क्योंकि आजकल पत्नियां उसी को धोखा देती हैं जो थोड़ा पुराने तौर में जीता, पुराने दौर में जीता, उनके साथ हो सकता है इनको इनके साथ ना हो, और ऐसा भी हो सकता हो भी जाए। हाँ देखिए कहाँ नहीं जा सकता, हाँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम तो उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो कि हमारे सूबे में पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, हाँ यस यस, बहुत तेज तर्रार, बहुत ईमानदार, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश में पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश को मिला है, सौभाग्य की बात है ना। तो हम उनसे यही अनुरोध करना चाहते हैं, देखिए इस पे कुछ उन्होंने एक्शन ले, क्योंकि देखिए क्या है ना कि अभी हमने अखबार में पढ़ा था, पत्रिका में, न्यूज में, कि 136 महिलाएं गांव से, शहर से गांव चली आई जो UPSC की तैयारी कर रही थी, तो उनके कहीं ना कहीं मन में दुख होगा कि यार अगर ज्योति मौर्या ऐसा न करती तो हमारे पति, हमारे घर वालों हमारे साथ ऐसा व्यवहार न करते है ना। तो सरकार को इस पर एक्शन लेने चाहिए, और जो महिलाएं गांव में आई हैं, 136 महिलाएं जो गांव में आई हैं, जो उनके पतियों उनको गांव में लाए हैं, उनको तत्काल शहर भेज के पढ़ाया जाए, बेशक, क्योंकि देखिए वो समाज सेवक बनना चाहते हैं। DM SDM क्या है, एक समाज सेवक, क्या समाज सेवक है, तो भाई अगर महिलाएं देश और समाज की सेवा कर रही हैं तो क्या बुराई है, बिल्कुल बुराई नहीं। आपको क्या लगता है वो अगर 136 महिलाएं SDM बन जाएंगी तो उसमें से 50% तो यही हाल करेंगी, क्योंकि जिस तरह से ज्योति मौर्य चल रही है उनके नक्शे कदम पे चलेंगी? महोदय जैसे कि आपने सही कहा, जैसे हमने अभी कहा है कि सरकार को इस पे एक्शन लेने चाहिए, अगर सरकार एकदम एक्शन लेगी, नियम बनाना चाहिए, ऐसे बोलिए कि कोई नियम बनाना चाहिए कि अगर पत्नी अगर शादी के बाद कोई पद पे आ जाती है, नौकरी पा जाती है, तो पति को नहीं छोड़ सकती, अगर छोड़ेगी तो पति को आधा मुआवजा देना पड़ेगा, ऐसे बोलिए ना। देखिए एक्शन मतलब वही है कि सरकार कोई उचित नियम बनाए है ना, और अगर कोई पत्नी करती है ऐसा तो करे, उसको तनख्वाह में से 1/2 उसके पति को देना चाहिए भरण पोषण के लिए है ना। पहली बात तो सरकार ऐसी कुछ नियम निकाले कि ऐसा ना हो, ये बेहतर है। आजकल के लड़के अपनी बहन को तो नहीं पढ़ाते लेकिन अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं, बीबी को पढ़ाते हैं, कहाँ तक सही है? देखिए इसके पीछे कहीं ना कहीं लड़कों का वो है, क्या कहते हैं उसको, कहीं एक लालचपन है, कहीं ना कहीं स्वार्थ है कि भाई पत्नी का पढ़ लिख कर सर्विस पा जाएगी तो हमको कहीं ना कहीं आराम होगा, आई थिंक है ना, इसलिए वो पत्नियों को पढ़ाते हैं, खुद नहीं पढ़ते, खुद नहीं पढ़ते, उनको पढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं काजू बादाम नहीं खाएंगे, पत्नियों को काजू बादाम पिस्ता खिलाएंगे, बेशक बेशक, ताकि प्यार मोहब्बत बरकरार रहे, आई थिंक है ना। तो ऐसा अगर कर रहे हैं तो गलत है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पत्नियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, जो पति तो अपना फर्ज अदा कर रहा है, ईमानदारी से श्रद्धा से काम कर रहा है, लेकिन कोई भी पत्नियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा यही ये बताइए, आपके भाई हैं रविंद्र जी, क्या वो खुद काजू बादाम पिस्ता खाते थे? वो कहाँ खा पाएंगे, लेकिन पत्नी को खिलाते, पत्नी खिलाएंगे वो ना, हाँ कभी आप खुद नहीं खाए ना, नहीं खाए। सोचिए ये एक महानुभाव हमारे साथ और है, इनसे भी बात करते, क्या नाम है आपका? विजय शंकर। अच्छा आपके साथ कहीं ना कहीं आपके गाँव में ऐसा घटना घट गया, कौन लगते हैं आपके आपके जो जिनके साथ हुआ ऐसा? भतीजे। भतीजे हैं, तो भतीजे के साथ ये हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? गलत है सर, गलत है, गलत है। हाँ किसने गलत किया? लड़की। लड़की क्या कर दी? गलत छोड़ दिया नौकरी पा करके ना। हाँ तो काहे नौकरी उसको दिला दिए? नहीं दिलाना चाहिए था, नहीं दिलाना चाहिए। बेटी को पढ़ाए हैं आप? आपकी कितनी बेटियां हैं? एक है। बेटी को पढ़ा रहे हैं? नहीं शादी कर दिए, पढ़ाए थे 8 तक। 8 तक देख लीजिए, इधर देखिए इनको, बेटी को 8 तक पढ़ाए हैं, लेकिन हो सकता है
बेटे हैं? हाँ, दो बेटे हैं। उनकी शादी हो गई? नहीं। हाँ, बहू को पढ़ाएंगे? जी नहीं। अब नहीं पढ़ाएंगे, अभी तक बेटी को नहीं पढ़ाते, लेकिन अब ये चौकन्ना हो गए हैं, अब इनका कहना है कि जो है नहीं पढ़ाएंगे, अब ये सावधान हो चुके हैं। और अभी तक शायद शादी न की होते बेटी का, तो हो सकता है बेटी को कहते कि बेटी पढ़ो, क्योंकि मोदी जी और जिस तरह से सरकार ये बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीवी नहीं, क्योंकि बीवी पढ़ाओगे तो बीवी गंवाओगे भी इस तरह से ना। हाँ, तो मतलब बीवी को नहीं पढ़ाना, बेटी को पढ़ाओ। बेटी को पढ़ाओ, बीवी को मत पढ़ाओ ना? जी। अच्छा, ये बेटी है आपकी, बेटी को पढ़ाएंगे कि बहू को पढ़ाएंगे? इसको पढ़ाएंगे, थोड़ा पढ़ाएंगे। इसको थोड़ा पढ़ाएंगे? आठ तक पढ़ाएंगे। ये आठ तक कैसे पढ़ाएंगे? ऐसे पढ़ाएंगे। गलत बात है? नहीं, गलत बात। बारहवीं तब तो पढ़ा दो। नहीं, आठ तक इसको पढ़ाएंगे, उसके बाद बंद करा देंगे। देखिए, छोटा पहलवान का सीधा कहना है, देखिए इस वक्त इस बच्ची को फोकस करो, छोटा पहलवान का सीधा कहना है कि अपनी बेटी को आठवीं तक पढ़ाएंगे, इंटर तक नहीं पढ़ाएंगे, छोटा पहलवान का कहना। छोटा पहलवान जी, आप कितने तक पढ़े हैं? हम आठ तक पढ़े हैं। देख लीजिए, मतलब यही है, जहाँ तक पढ़े हैं वहीं तक पढ़ाएंगे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता, बेटी को और पढ़ाओ। नहीं पढ़ाएंगे ना, ऐसे ही क्यों नहीं, यहाँ देखो गाँव देश में ऐसे ही सब हो रहा है। अरे तो बेटी आपकी बेटी है ना? बेटी है तो इतने बहुत है। तो बेटी इतना ही बहुत है, आठ तक। जहाँ बेटी कहेगी वहाँ शादी कर देना, क्या उसकी उसके मर्जी से? नहीं, उसकी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से करेंगे। हाँ। देखता के। अच्छा अच्छा। हाँ, अपने मर्जी से करेंगे, गांव के रीति रिवाज से करेंगे। हाँ, गांव के रीति रिवाज से। अच्छा अच्छा, क्या कहेंगे योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं आपका, क्या कहेंगे? ये जो हुआ है सही हुआ है गलत? गलत हो गया है। हाँ, गलत हुआ है। क्या न्याय मिलना चाहिए आपके भाई को, छोटे भाई को? नहीं नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, न्याय नहीं मिलना चाहिए। देखिए, कह रहे बेटे भाई को न्याय नहीं, न्याय नहीं मिलना चाहिए, मतलब ये गलत बोल रहे हैं। मतलब न्याय तो इनको मिलना चाहिए ना? तो उनको तो मिलना चाहिए ना? अभी तो आप कहे नहीं मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। उसको मिलना चाहिए। अच्छा, इनको मिलना चाहिए ना? और उस महिला को, महिला के साथ क्या होना चाहिए, उसकी नौकरी के साथ? उसको नौकरी बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। अरे दादी आ गई, दादी क्या नाम है? दादी अपने बेटे को पकड़ ली, इधर दिखाइए। दादी, दादी अपने बेटे को पकड़ ली, दादी अपने बेटे को ले जा रही है। देखिए, दादी अपने बेटे को ले जा रही है। दादी इधर आइए, दादी अपने बेटे को ले जा रही है। अच्छा, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से? योगी जी देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं। बोल काकी बोल, कहो कि अगर नौकरी से निकाल दे, नौकरी से निकाल दे। आप क्या बोलेंगे छोटा पहलवान? नौकरी से निकाले उसको, और क्या करेंगे? अपने घर पे आके बैठे हो, और क्या? नहीं पढ़ाना है किसी को, किसी को नहीं पढ़ाएंगे आप। छोटा पहलवान का कहना है किसी को नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा, पढ़ी लिखी बहू लाएंगे कि अनपढ़ी बहू लाएंगे? बेटा अनपढ़ गंवान लाएंगे, अनपढ़ गंवान लाएंगे, बहू भी अनपढ़ गंवान लाएंगे। देख लीजिए, मतलब छोटा पहलवान पूरी तरह से पहलवानी लड़ते लड़ते अब सावधान हो चुके हैं और ये मजबूत हो चुके हैं। और अच्छा, पहलवानी कितने साल तक लड़े थे? पहलवानी हम कहाँ लड़ते हैं? तो छोटा पहलवान आपका गाँव में सब बोल रहे हैं, पहलवानी नहीं लड़े हैं गाँव वाले, तो छोटा पहलवान, छोटा पहलवान कह रहे हैं सब भाई बोलते हैं। आशीष भाई, आशीष भाई, अरे कुछ भाई, आशीष भाई, अभी तो छोटा पहलवान कोई बोल रहा था ना, नहीं बोलेंगे। अब ये छिपा रहे हैं, ये छिपा रहे हैं, अपना नाम भी छिपा रहे हैं, इनका छोटा पहलवान नाम है, गांव में बहुत फेमस है। देख लीजिए, और हम यही कहेंगे इन लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। इनका एक बेटा और एक बेटी, और बच्चे कौन है? एक छोटा सा हो गया, एक छोटा बच्चा है। इतने बच्चे हैं, हम भगवान से यही कामना करेंगे कि इनका जिंदगी सुखमय इसी तरह से बीतता रहे। बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।